दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नॉर्वेजियन कंट्री की हॉरर सीरीज को जिसका नाम है पोस्टमार्टम नो वन डाइज इन स्कानेस। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये वीडियो एक कोलैब वीडियो है गोस्ट सीरीज के साथ। तो पार्ट वन का एक्सप्लेनेशन आपको उनके चैनल पर मिल जाएगा, तो उनकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सीरीज काफी बेहतरीन है तो अंत तक जरूर देखना। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पिंग कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में लीवा राइनर्ट की लाश देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसको कवर करके और अपने आप को साफ करके घर जाती है, जहां रास्ते में उसको जुडिथ मिलती है जिससे उसकी थोड़ी बहुत बात होती है। जुडिथ अपने ऑफिस से आई थी जहां उसको राइनर्ट नहीं मिला था और जुडिथ यहां एक लाइब्रेरी ट्रक को चेक करने आई थी जो रास्ते में पलट गया था। घर पर ऑड मिसेस गार्डनसन के बेटे को कैस्केट दिखाता है वर्थ 52,000, बट वो लोग उसको नहीं लेते और एक बहुत चीप कैस्केट को ले लेते हैं और जनरल भी ऑड को नहीं देते करने के लिए, जिससे ऑड काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लीवा घर आती है जहां उसको परेशान ऑड मिलता है और वो लीवा से बोलता है कि वो अच्छे से सेल नहीं कर पा रहा है और बिजनेस अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है। लीवा ऑड को परेशान देखकर कुछ भी नहीं बताती जो वो अभी करके आई है और ऑड उसको वो कैस्केट दिखाता है जो मिसेस गार्डनसन के बच्चों ने लिया था, जो काफी बड़ा था। और लीवा को उसको देखकर एक आइडिया आता है। लीवा अब एक बॉडी बैग और स्ट्रेचर लेकर राइनर्ट के घर जाने लगती है और रास्ते में उसको डॉक्टर सिवेरा मिलते हैं, जो लीवा को बोलते हैं कि लीवा उनसे आकर मिले क्योंकि उनको लीवा की चिंता है। लीवा अब राइनर्ट के घर आती है और उसको कवर अप करने लगती है और घर साफ करने लगती है। दूसरी ओर जुडिथ रोड पर उस लाइब्रेरी वैन को चेक करती है और उसको एक बुक के अंदर से ड्रग का छोटा सा पैकेट मिलता है। जुडिथ अब उन सारी बुक्स को कलेक्ट करने लगती है। अब हम देखते हैं ऑड को, जो अपने बिजनेस के डाउनफॉल से परेशान था और वो जेटलैंड की बिजनेस क्लास अटेंड करने जा रहा था, जहां उससे जेटलैंड उसके बिजनेस के बारे में पूछता है और ऑड परेशान हो जाता है कि इस कार्नेस में कोई मरता ही नहीं है तो उसका बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा है। इधर जुडिथ पुलिस स्टेशन से राइनर्ट को कॉल करती है बट कॉल अटेंड नहीं होता, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि राइनर्ट आखिर है कहाँ। राइनर्ट के घर पर लीवा सब कुछ साफ करके राइनर्ट की बॉडी बैग में रखती है और उसके फोन से जुडिथ को मैसेज करती है कि राइनर्ट की तबीयत बहुत खराब है तो वो आज छुट्टी पर है। बट जुडिथ राइनर्ट के घर ही आ जाती है और लीवा सब कुछ छुपाती है। डोर लॉक्ड होने से जुडिथ अंदर नहीं आ पाती और वो बाहर से ही चली जाती है। कुछ देर बाद लीवा रास्ते से राइनर्ट की डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर कवर करके ले जा रही थी और उसको जुडिथ मिलती है, जो उससे यहाँ आने का रीजन पूछती है। तो लीवा बताती है कि उसकी शॉप का स्टोरेज इस साइड है, तो वो यहाँ आई थी और वहाँ से चली जाती है। लीवा घर आकर देखती है तो ऑड ने मिसेस गार्डनसन के कैस्केट और उनकी बॉडी को रेडी कर दिया था और ऑड के जाने के बाद लीवा उस कैस्केट में मिसेस गार्डनसन की बॉडी के नीचे राइनर्ट की को छुपा देती है। कुछ देर बाद लीवा डॉक्टर सिवेरा से मिलने जाती है और डॉक्टर सिवेरा उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके ब्लड को बहुत गौर से देखते हैं। लीवा वहां से जाने लगती है और डॉक्टर सिवेरा उसको बोलते हैं कि लीवा को जब भी जरूरत हो तो वो यहां आकर उनसे बात कर सकती है। रात होती है और ऑड घर पर रोज को घर बिकने की बात बताना चाहता है, पर उससे पहले ही रोज अपनी प्रेगनेंसी बताती है, जिससे ऑड बहुत खुश हो जाता है। लीवा घर आती है और अपनी फैमिली फोटो और ऑड की खुशी देखकर अरविड के रूम में चली जाती है और अपनी मदर की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, जिसमें वो छोटी लीवा को चुप करा रही है और लीवा बहुत इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑड आकर लीवा को जगाता है और उसको रोज की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है और आगे बोलता है कि उसने मिसेस गार्डनसन के फ्यूनरल का काम कर लिया है, जिससे वो बहुत खुश है और लीवा भी बहुत खुश हो जाती है। ऑड बोलता है कि वो लास्ट टाइम एक बार मिसेस गार्डनसन के कैस्केट को चेक करेगा, जिसे सुनकर लीवा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने तो मिसेस गार्डनसन की लाश के नीचे राइनर्ट की लाश को छुपाया हुआ था। अब ऑड वहां के लिए निकल जाता है और लीवा भी भागते हुए वहां चली जाती है और ऑड से छुपकर उस लाश यानी डेड बॉडी को एडजस्ट करती है ताकि किसी को दिखे ना। अब ऑड आता है और लीवा छुप जाती है और ऑड के जाने के बाद वो देखती है कि मिसेस गार्डनसन की लाश के नीचे से शॉकिंगली राइनर्ट जिंदा होकर उठता है और बाहर भाग जाता है, जिसके बाद लीवा उसके पीछे भागती है। फ्यूनरल होम में मिसेस गार्डनसन के बेटे देखते हैं कि उनकी मदर की लाश की हालत तो खराब है, जिससे वो ऑड को दिया हुआ फ्यूनरल कैंसिल कर देते हैं और अपना पैसा वापस ले लेते हैं। अब अगर ऑड मेरी बात को मान लेता तो उसको आज पैसों की दिक्कत नहीं होती और न ही ये फ्यूनरल उसके हाथों से छूटता, लेकिन वो कैसे, तो बस ऑड को कैश करो ऐप का इस्तेमाल करना था और सारी दिक्कतें खत्म हो जाती।
क्योंकि कैश करो देता है शॉपिंग करने के लिए फ्री पैसे। इस महीने अमेजोन से लेके मिंत्रा सब पे जबरदस्त सेल रहेंगी, तो अमेजोन अजियो या मिंत्रा पे चल रहे डिस्काउंट्स के ऊपर और भी पैसे बचाने हैं और एक्स्ट्रा कैशबैक कमाना है तो सीधा जाना कैश करो पर, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक साइट है, जिसपे अमेजोन अजियो मिंत्रा से लेकर बिग बाजार सब मिलेंगी और एग्जिस्टिंग डिस्काउंट के ऊपर अप टू 30% एक्स्ट्रा कैशबैक अलग से। कैशबैक का मतलब है अब हर शॉपिंग पे फ्री पैसे। सबसे मजेदार बात यह है कि कैशबैक का पैसा आप सीधा बैंक में जमा कर सकते हो या अमेजोन वाउचर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये दोनों ही यानी कि COD और ऑनलाइन पेमेंट पे अवेलेबल है। और टेंशन की बात तो है ही नहीं, क्योंकि ये ऐप रतन टाटा ने फंड करी है। ये ऐप यूज करना बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 ही स्टेप्स है। एंड ध्यान से सुनना, वीडियो के एंड में एक गिव अवे भी है जिसमें ₹500 के कई वाउचर्स भी आप जीत सकते हो। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करो और ₹25 का बोनस तुरंत मिल जाएगा, या फिर अलग से प्ले स्टोर ऐप स्टोर से करोगे तो मेरा कोड SKIRI25 यूज कर लेना, तो भी ₹25 का बोनस आपको मिल जाएगा। अब होम पेज पे कोई भी मनपसंद की वेबसाइट जैसे अमेजोन सर्च करो और ऑरेंज बटन पे क्लिक करो, जैसे चाहे शॉपिंग करो और अपना कमाया हुआ कैशबैक माई अर्निंग में चेक कर सकते हो, जो कि आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। बस इतना सिंपल। तो जाओ और जल्दी से ऐप ट्राई करो, कम से कम महीने का पेट्रोल का खर्चा तो निकल ही जाएगा। इधर लीवा राइनर्ड के पीछे भागते हुए जंगल में आ जाती है और उसको रोकने की कोशिश करती है, बट राइनर्ड उससे ही लड़ने लगता है और लीवा समहा उसको बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जुड़ित को पुलिस स्टेशन में कॉल आता है कि राइनर्ड और लीवा किसी को रास्ते में मिले हैं, और पुलिस पास के हॉस्पिटल में जाती है जहां राइनर्ड एडमिट था। वहां वो लीवा से थोड़ी पूछताछ करती है, जहां लीवा कुछ भी कहानी बनाकर सुना देती है और जुड़ित बोलती है कि ये कहानी वो राइनर्ड के जागने के बाद उसे कंफर्म कर लेगी। अब लीवा परेशान हो जाती है और वो राइनर्ड के रूम में जाती है और उसका दम घोटकर उसको जान से मार देती है, और तभी वहां डॉक्टर सिवेरा आते हैं। डॉक्टर सिवेरा को देखकर लीवा परेशान हो जाती है, बट डॉक्टर सिवेरा उसको बोलते हैं कि लीवा अभी तक समझी नहीं है। और अब राइनर्ड फिर से जिंदा हो जाता है और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में राइनर्ड वापस से जिंदा हो जाता है और बहुत ज्यादा तड़पने लगता है, जिसको डॉक्टर सिवेरा अपना ब्लड देकर शांत कराते हैं। लीवा ये सब देख रही थी और वो अब तक कुछ नहीं समझ पाती है कि ये सब हो क्या रहा है। जुड़ित वहाँ आती है और वो राइनर्ड से सवाल करती है कि क्या हुआ था, तो राइनर्ड को कुछ भी याद नहीं था और डॉक्टर सिवेरा बोलते हैं कि ये काम के टेंशन से हो सकता है और ये काफी नॉर्मल भी है। नेक्स्ट सीन में हम ऑड को बैंक में देखते हैं, जहां मैनेजर उसको 2 दिन का टाइम देता है कि अगर 2 दिन में ऑड 30,000 जमा कर देगा तो उसको और भी मोहलत मिल जाएगी घर बचाने के लिए। ऑड घर आता है जो कि काफी टेंशन में था, और उसके पास जेटलैंड आता है जो उसको अपने कजिन के डेड बॉडी का स्वीडन से यहाँ लाने का काम देता है, और बदले में 30,000 वो ऑड को ऑफर करता है, जिस पर ऑड खुशी खुशी मान भी जाता है। दूसरी ओर जुड़ित अपने घर पर लीवा और बाकी चीजों के बारे में सोचती है कि पहले लीवा एक जगह मरी हुई मिली, फिर उसके फादर की डेथ हुई जहाँ उसके फादर की चेस्ट पर गहरा घाव मिला, लेटर ऑन राइनर्ड का गायब होना और ऐसी कंडीशन में मिलना और जुड़ित को अब कुछ गड़बड़ लगने लगी थी, और वो इस केस पर लग जाती है। जुड़ित का हस्बैंड भी वही होता है जहाँ वो उसको अच्छे से ध्यान देने के लिए बोलता है, क्योंकि पहले लीवा की मदर के लिए लोगों ने जुड़ित को कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना था। अब हम देखते हैं डॉक्टर सिवेरा के घर पर लीवा को, जिसको वो सारी सच्चाई बताते हैं। डॉक्टर सिवेरा बताते हैं कि जब लीवा की मदर स्कारनेस आई थी तब वो सबसे अलग थी, और वो डॉक्टर सिवेरा से मिली जिसने उनको ठीक करने की कोशिश भी की। डॉक्टर सिवेरा ने लीवा की मदर के ब्लड के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए थे जिससे वो इमोर्टेलिटी के लिए कुछ बना सके, बट एक्सपेरिमेंट पूरा होने से पहले ही लीवा की मदर ने खुद को खत्म कर लिया। लीवा की मदर को पता था वो बचपन से ही अपनी माँ के जैसी है, बट वो लीवा की लाइफ को कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, और उनको नहीं पता था कि लीवा नेचुरल डेथ से नहीं मरेगी। इस बात का मतलब है कि अगर लीवा नेचुरल डेथ से नहीं मरते हुए किसी के द्वारा मारी जाए तो उसके अंदर की ये पावर या बीमारी ट्रिगर हो जाती है। डॉक्टर सिवेरा आगे बताते हैं कि लीवा ने अब ये चीज राइनर्ड को भी दे दी है, और अब उनको राइनर्ड को रोकना होगा, उसको जलाकर मारना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है, और जिंदा रहने पर राइनर्ड लोगों की जान लेगा। अब डॉक्टर सिवेरा लीवा को 1-2 ब्लड के ट्यूब्स भी देते हैं, एक लीवा के लिए और एक राइनर्ड के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग लीवा स्मूदी में ब्लड को मिलाकर राइनर्ड के पास जाती है, जो अब काफी चेंज हो गया था, और वो स्मूदी लेने से मना कर देता है। लीवा उसको सब समझाने की कोशिश भी करती है, बट वो लीवा की बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लीवा राइनर्ड को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन आती है, जहाँ वो नहीं मिलता, और उसको जुड़ित मिलती है
जो उसे थोड़ी बहुत सवाल जवाब करती है, जिसके बाद में लीवा वहाँ से चली जाती है। लीवा अब सब जगह राइनर्ड को ढूंढने लगती है, जो उसको कहीं भी नहीं मिल रहा था। हम हॉस्पिटल में डॉक्टर सिवेरा को देखते हैं, जो अपने हाथ पर कट लगाते हैं और लीवा और राइनर्ड के ब्लड को उन पर छिड़कते हैं, जहां उनके कट्स अपने आप उन ब्लड से ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम यहां पर एक बात नोटिस करते हैं कि लीवा का ब्लड तो ठीक था, बट राइनर्ड का ब्लड किसी एसिड से कम नहीं होता। वहीं दूसरी ओर ऑर्ट स्वेडन आता है जेटलाइन के कजिन की डेड बॉडी लेने, और उसको दूसरी फ्यूनरल एजेंसी का आदमी मिलता है, जिससे ऑर्ट थोड़े बहुत टिप्स लेता है अच्छे बिजनेस के लिए। ऑर्ट अब हॉस्पिटल से उस बॉडी को लेता है और नर्स से उस पर्सन का कॉज ऑफ डेथ पूछता है, तो वो कुछ नहीं बताती और सवाल को इग्नोर कर देती है, जो ऑर्ट को काफी अजीब लगता है। ऑर्ट अब उस बॉडी को लेकर वहां से निकल आता है, बट उसको कुछ तो अजीब लग रहा था, और वो एक जगह रुककर उस बॉडी को चेक करता है, तो उसके अंदर ड्रग्स थे। और जेटलैंड को कॉल करके गुस्सा करता है, जिस पर जेटलैंड बोलता है कि ये स्मगलिंग ही है, और को तो पैसे मिल ही रहे हैं एक लाश को लाने के लिए, तो वो इस लाश को ले आए, जिससे उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम जुड़त को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो लीवा के केस पर अब ज्यादा काम करने लगी थी और अपनी इन्वेस्टिगेशन भी उसने तेज कर दी थी। तभी उसके हस्बैंड का कॉल आता है, जो उसे कुछ बात करता है, और जुड़त बताती है कि उसने बॉर्डर पर ड्रग स्मगलिंग के लिए चेकिंग लगाई हुई है। इधर ऑड को रास्ते में चेकिंग मिलती है और वो बहुत परेशान हो जाता है, और वो अपने कार का हीटर शुरू कर देता है, जिससे डेड बॉडी से स्मेल आने लगती है, और चेकिंग ऑफिसर ऑड को जाने देते हैं बिना लाश देखे ही। और वापस टाउन में आता है और जेटलैंड उसको पैसे दे देता है, बट ऑड इससे खुश नहीं था। इधर लीवा राइनर्ड को सब जगह ढूंढ रही थी और उसको वो कहीं भी नहीं मिल रहा था, और डॉक्टर सिवेरा बार बार लीवा को कॉल करके बोलते हैं कि राइनर्ड को रोकना जरूरी होगा। हम अब ये देखते हैं कि राइनर्ड ब्लड के लिए क्रेव कर रहा था, और वो एक बच्चे के पीछे भागता है और उस पर अटैक करने ही वाला था, तो तभी डॉक्टर सिवेरा वहाँ आ जाते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं और अपने साथ कहीं ले जाते हैं। डॉक्टर सिवेरा लीवा को कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि वो उस बार्न के पास आ जाए जहां वो मिली थी, और राइनर्ड को वो वहीं ले आए हैं। लीवा उस बार्न के पास जाती है, जहां बार्न के अंदर डॉक्टर सिवेरा ने राइनर्ड को रखा हुआ था, और वो लीवा को एक ब्लड ट्यूब देकर अंदर भेजते हैं। अब लीवा अंदर जाती है और डॉक्टर सिवेरा डोर को लॉक करके बार्न को आग लगा देते हैं, और लीवा को उसका लॉकेट वापस कर देते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि स्टार्टिंग में डॉक्टर सिवेरा ने ही उस पर अटैक किया था। डॉक्टर सिवेरा उन दोनों को मरने के लिए छोड़कर जाने लगते हैं और पूरे बार्न को आग लगा देते हैं, और लीवा अंदर खुद को बचाने की कोशिश करती है। लीवा ब्लड की हेल्प से राइनर्ड को जगाती है और वो एग्रेसिव होकर उस पर अटैक करने लगता है, और लीवा ट्रिक करके उसको घर के बाहर विंडो तोड़ते हुए जंप करवा देती है। लीवा भी अब बाहर आती है और अब राइनर्ड ब्लड के लिए डॉक्टर सिवेरा पर अटैक करता है। लीवा राइनर्ड को रोकने की कोशिश करती है और उसके ऊपर ब्लड डालकर उसको शांत कर देती है, बट अब तक डॉक्टर सिवेरा मर चुके थे, जिनको राइनर्ड ने तब तक चोक करके रखा हुआ था। राइनर्ड ये देख कर कि उसने एक जान ली है रोने लगता है, और लीवा उसको संभालती है। इधर दूसरी ओर जुड़ित अपने घर पर याद करती है कि लीवा उसको रास्ते में मिली थी एक स्ट्रेचर के साथ, जबकि उस साइड उनके स्टोरेज है ही नहीं। ये सोचते ही जुड़ित उठ खड़ी होती है कि सच उसको पता लगाना ही होगा, जिसके साथ में एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इस सीरीज की एंडिंग वाले एपिसोड पे, जो कि है एपिसोड 6। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में राइनर्ड और लीवा डॉक्टर सिवेरा की लाश को लेकर लीवा के वर्कशॉप पे ले आती है, और उसकी डेड बॉडी से पूरा ब्लड निकालने लगती है, जिससे उसके और राइनर्ड के लिए ब्लड का इंतजाम हो जाएगा, और इसके बाद वो डॉक्टर सिवेरा की लाश को ठिकाने लगा देंगे। अब वो दोनों लाश को लेकर वहां से जाने लगते हैं, और लीवा वापस आती है क्रीमेशन फैसिलिटी की कीज लेने के लिए, तो उसको ऑड बैठा हुआ मिलता है, जिसने वो 30,000 रुपए जला दिए थे, क्योंकि वो गलत पैसे नहीं लेना चाहता था। ऑड लीवा को देखकर उससे यहाँ इस टाइम आने का रीजन पूछता है, और लीवा उसको कुछ नहीं बताती। ऑड लीवा को घर बिकने की बात बताता है और बोलता है कि वो अपनी फैमिली के लिए सब ठीक करना चाहता था, लेकिन कुछ ठीक हुआ ही नहीं, और बिजनेस सरवाइव कराने के लिए स्कारनेस में किसी न किसी को मरना होगा, जो कि यहाँ पर होता ही नहीं है। लीवा उसे पूछती है कि उसको क्या चाहिए, जिस पर वो बोलता है कि एक अच्छा फ्यूनरल, जिससे वो बैंक को कुछ पैसे दे देगा और उसको मोहलत मिल जाएगी। लीवा बाहर आती है और राइनर्ड को कन्विंस कर लेती है कि वो डॉक्टर सिवेरा के डेथ को नेचुरल दिखा देंगे और उसे ऑड को एक फ्यूनरल मिल जाएगा। नेक्स्ट डे ऑड को कॉल आता है डॉक्टर सिवेरा की डेथ और फ्यूनरल के लिए, और वो खुश होकर वहाँ जाता है। पुलिस स्टेशन में जुड़त के पास राइनर्ड आता है और देखता है कि जुड़त तो पूरी तरह से लीवा के पीछे इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, और वो बोलती है कि वो जल्दी ही कोई एविडेंस निकाल लेगी। अब
तभी पुलिस स्टेशन में कॉल आता है डॉक्टर सिवेरा के डेथ का और रायनेट उसको अटेंड करने जाता है। रायनेट डॉक्टर सिवेरा के घर आता है और वहाँ ऑड भी था और डेथ का कॉज गेस करने की कोशिश करता है और रायनेट बोलता है कि ये नेचुरल डेथ है। डॉक्टर सिवेरा की हार्ट अटैक से डेथ हुई होगी और ऐसा ही कुछ ऑड वो कहानी बना देता है, जिस पर ऑड को भी यकीन हो जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल उसको तो एक फ्यूनरल चाहिए था जिससे कि वो पैसे कमा सके। और डेड बॉडी लेकर वहाँ से चला जाता है और रायनेट जुडिथ से कुछ देर बाद मिलता है और उसको वही बात बोलता है कि डॉक्टर सिवेरा की डेथ नेचुरल है। बट अब जुडिथ का शक बढ़ गया था जिससे रायनेट भी परेशान हो जाता है। रायनेट लिवा के पास आता है और उसको बोलता है कि वो फंस सकता है और जुडिथ को कोई एविडेंस मिल सकता है, जिस पर लिवा उसको चुप करने को बोलती है। रायनेट बोलता है कि वो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, जिस पर लिवा बोलती है कि शायद वो भी मॉन्स्टर ही है। अब रायनेट लिवा को किस करने की कोशिश करता है, जिस पर लिवा मना करती है और रायनेट गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ऑड के पास डॉक्टर सिवेरा की बहन आती है अपने भाई के लिए कैस्केट लेने और ऑड उसको एक महंगा कैस्केट बेच देता है, ये बोलकर कि ये डॉक्टर सिवेरा ने अपने लिए पहले ही सेलेक्ट कर लिया था और ये ट्रिक ऑड ने दूसरे फ्यूनरल वाले से सीखी थी। ऑड को वो कैस्केट का और फ्यूनरल का काम भी मिल जाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब पेमेंट बहुत ज्यादा मिलने वाली थी। नेक्स्ट सीन में वो अपने घर पर डॉक्टर सिवेरा की डेड बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है और उसको वो बॉडी बहुत अजीब लगती है जो अभी भी फ्रीज नहीं हुई थी और अब उसको डॉक्टर सिवेरा की डेथ सस्पिशियस लगने लगती है और वो जुडिथ को इन्फॉर्मेशन दे देता है ताकि ऑटोप्सी उस बॉडी की हो सके। लिवा को ये बात पता चलती है और वो रायनेट के पास जाती है कि अब सबको पता चल जाएगा कि डॉक्टर सिवेरा की डेथ नेचुरल नहीं थी। रायनेट बहुत परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि अब वो एक मर्डरर बन गया है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वही जुडिथ अपने हायर ऑफिसर से ऑटोप्सी की परमिशन लेती है और उसको लिवा के बारे में बताती है कि लिवा उसकी प्राइम सस्पेक्ट है और उसका हायर ऑफिसर उसको एक चांस दे देता है। लिवा घर आती है और वो अब ऑड को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसकी गलती से ही डॉक्टर सिवेरा की जान गई, बट वो अपने अंदर की चीज के बारे में नहीं बताती, यानी कि उसके ब्लड पीने की क्रेविंग को। जुडिथ भी अब वहाँ आती है और वो ऑड को डॉक्टर सिवेरा की बॉडी ऑटोप्सी में भेजने को बोलकर लिवा को अपने साथ ले जाती है एज अ सस्पेक्ट। पुलिस स्टेशन में लिवा को बंद कर दिया जाता है और नेक्स्ट सीन में रायनेट आकर उसको अपने साथ केबिन में ले जाता है और अब वो दोनों टेंशन में थे एज ऑटोप्सी के रिजल्ट कुछ ही देर में आने वाले थे। डॉक्टर सिवेरा की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर बॉडी को देखते हैं और वो पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं, जहां वो बताते हैं कि बॉडी को फ्यूनरल के लिए रेडी कर दिया गया है, उस पर केमिकल्स यूज करे गए हैं और अंदर भी केमिकल्स हैं, जिससे अब ऑटोप्सी होने का कोई मतलब ही नहीं है। लिवा पुलिस स्टेशन से बाहर देखती है ऑड को, जिसके पास जुडिथ गुस्से में आती है कि उसने ये क्या कर दिया। असल में यहाँ पर ऑड ने अपनी बहन को जेल जाने से बचा लिया। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सिवेरा का फ्यूनरल हम देखते हैं और लिवा ने अब अपनी फैमिली बिजनेस को अच्छे से ज्वाइन कर लिया था। सीरीज की एंडिंग सीन में लीवा और डेड बॉडी को क्रिमेशन के लिए ले जाते हैं और वो दोनों बहुत खुश होकर अपने बचपन के सॉन्ग्स को गाने लगते हैं। ऑड को फ्लैशबैक आता है जब वो डॉक्टर सिवेरा की डेड बॉडी को तैयार कर रहा था, तब उसके अंदर से खून नहीं निकलता और अब ऑड समझ जाता है कि लीवा ने खून निकाल लिया था और कुछ गड़बड़ जरूर है, यानी कि वो जान गया था कि उसकी बहन इंसान नहीं है और अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसको अपनी बहन की जरूरत थी, जिसकी वजह से उसने अपनी बहन को बचा लिया। और इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पोस्टमार्टम सीरीज की कहानी। अब बात करें इस सीरीज के मतलब के बारे में, तो स्कार्निस नाम का एक टाउन है जहाँ एक खास बात है कि वहाँ कभी कोई नहीं मरता। ऑड के फादर का बिजनेस पिछले 5 पीढ़ियों से यहाँ चल रहा है, जिसका रीजन सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से इस खानदान की फीमेल है, क्योंकि इन फीमेल्स के अंदर ह्यूमन ब्लड पीने की इच्छा थी। लेकिन आपने एक बात और नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ वैम्पायर का नाम नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर लिवा इजिली धूप में चल रही थी, उसको सूरज से कोई इशू भी नहीं था, तो इनको 100% वैम्पायर कहना गलत होगा। मे बी ये हाइब्रिड्स हो सकते हैं। डॉक्टर सिवेरा और आर्वर्ट जानते थे कि लिवा और मैडलिन कौन है, इसलिए ही वो लिवा को मारने की कोशिश भी कर रहे थे। मे बी इस घर की फीमेल्स के अंदर जेनेटिक इश्यूज होंगे, जिसके चलते ये फीमेल स्पेशल थी। एक और चीज नोट करने वाली है कि रायनेट भी एक ब्लड क्रेविंग क्रीचर में बदल गया, लेकिन उसका ब्लड एसिडिक था, जबकि लिवा के ब्लड से डॉक्टर सिवेरा के घाव एंड कर्स ठीक हो गए थे। तो लिवा खास थी, लेकिन अगर वो किसी और को काट लेगी तो वो उसके जैसा सेम नहीं होगा। यहाँ पर ऑड फैमिली का फ्यूनरल बिजनेस इन्हीं ब्लड क्रेविंग फीमेल्स की वजह से चलता होगा, तभी ये 5 पीढ़ियों से यहाँ टिके हुए थे। बट इवेंचुअली ब्लड क्रेविंग
आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मैडलिन ने सुसाइड कर लिया। और ये जो डार्कनेस वैम्पायरिज्म जो है वो एक्टिवेट तब होता है जब कोई और लीवा को जान से मारने की कोशिश करता है, जैसे डॉक्टर सिवेरा ने किया था। बट लीवा बच गई और ब्लड पीने वाले क्रीचर में बदल गई। अब ये असल में वैम्पायर है या कुछ और, ये नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा, एज वही काफी सारे राज खुलेंगे। अब वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको गिव अवे के बारे में बता देती हूँ। तो ₹500 के 5 अमेज़न वाउचर जीतने के लिए 2 स्टेप्स हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो, और अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कर रहे हो तो मेरा कोड यूज कर लेना scary25, और एक ट्रांजेक्शन करो चाहे स्विगी से खाना ऑर्डर करो या अमेज़न से फोन। और हाँ, ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है, बस इसके बाद में सिलेक्टेड 5 विनर्स को ₹500 के वाउचर्स मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो दोनों वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।